हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने भाषा और लिपि का जो क्लास है उसको विस्तार पूर्वक देखा होगा और बहुत अच्छे से समझा होगा हर एक पॉइंट को। मैंने आप लोगों से कहा था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए चैप्टर, और उसी से संबंधित हमने क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बनाए हैं। और एक क्वेश्चन भी जैसे कि वर्तमान में आते हैं क्वेश्चन, काफ़ी जो है उलझाऊ क्वेश्चन होते हैं जिसमें कूट में क्वेश्चन बनते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए गए हैं ताकि आप लोग अभी से हार्ड क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस कर लें और एग्ज़ाम में जाने के बाद आप लोगों को इस तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि भारी भरकम क्वेश्चन देख के आप लोग डरे ना। जो चीज़ें जितना ज़्यादा भारी दिखे वो उतनी ही आसान होती हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। और जो जितना छोटा और आसान लगता है वो उतने ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल तथ्य पे होता है। अगर याद है तो आप कर पाएंगे, याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई ना कोई कमजोरी आपको मिल जाती है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो चलिए इन क्वेश्चन की कमजोरी को पकड़ते हैं और आज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बड़े ईजी तरीके से। आज जो आपका क्वेश्चन है, पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो असत्य है। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। मैक्सिमम बच्चों से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में इस वजह से गलत हो जाते हैं कि वो ये नहीं जान पाते कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो इसमें असत्य पूछ रहा है बच्चों। पहला है, भारत में विश्व के 5 प्रमुख भाषा परिवार में सम्मिलित भाषाएं बोली जाती हैं, क्या ये सही है। दूसरा है, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषाओं को मुंडारी समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य है। क्या ये इसमें से कोई कथन आपको लग रहा है कि जो गलत हो। आपने डिटेल क्लास को देखा होगा तो आपने इसको बहुत आसानी से सही कर लिया होगा। मैंने आपको बताया था कि 10 भाषा परिवार में से 5 भाषा परिवार भारत में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरे नंबर का कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर आपके दोनों जो कथन है ये बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। सॉरी बच्चों, असत्य पूछा है तो यानी कि देखिए ऐसे होता है, एग्जाम में भी ऐसे हो जाता है, मैंने भी कर दिया। तो ध्यान देंगे, ना तो ए और ना तो डी, यानी कि दोनों सत्य हैं और पूछ रहा है कौन सा असत्य है। तो कोई असत्य नहीं है, तो ना तो एक और ना तो दो, तो ये याद रखेंगे। यहाँ तो हैं, आप सुधार सकते हैं, लेकिन जब आप गोला भर देते हैं मार्कशीट में और पता चलता है कि आपसे गलत आंसर भरा गया तो इतना अफसोस होता है कि आगे के सही क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो कभी भी जल्दबाजी में ऐसी गलती नहीं करनी है। आगे पढ़ेंगे, प्रयोगताओं की दृष्टि से भारत में दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार निम्न में से कौन सा है। कौन सा है जो दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है, और सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है ये भी पता है आपको। सबसे बड़ा दूसरा कौन सा ये भी पता है, सबसे छोटा कौन सा ये भी पता है, सबसे नया कौन सा, सब कुछ पता है आपको। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला है हिंद आर्य भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, और चौथा चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि आपने पढ़ा है दूसरे नंबर का जो है ये द्रविड़ है। दा से द्रविड़, दा से द्वितीय, दूसरे नंबर का आपका जो भाषा परिवार है वो आपका द्रविड़ है। पहले नंबर का जो है वो आपका कौन सा है, आपको पता है कि आर्य जो आपका भाषा परिवार है, हिंद आर्य भाषा, ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित भाषाओं में से किसको सरकार ने क्लासिकल भाषा घोषित किया है। आईएएस का क्वेश्चन है ये। अब आपको बताना है, आपके लिए एक मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है। आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कितने लैंग्वेज हैं जिनको साहित्य का जो है शास्त्रीय जो है भाषा का दर्जा मिला है, और उसमें से कौन सा इसमें नहीं है ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है। क्या गुजराती को मिला है, क्या कन्नड़ को मिला है, क्या तेलुगु को मिला है। तो ऑप्शन में है कि पहला दूसरा दोनों, बी में है केवल 3, सी में है 2-3, और डी में है कि तीनों। तो इसमें तो कोई दम ही नहीं है, क्योंकि आपको 6 भाषा ही सिर्फ याद करने थे, और वो भी मैंने ईयर वाइज आपको बताया है कि सबसे पहले सबसे लास्ट और टोटल कितने हैं। आपको पता है गुजराती भाषा का कहीं भी इस तरह का उल्लेख नहीं है। तो आपका 1 जो है ये एलिमिनेट हो गया। अब आप देखेंगे 1 एलिमिनेट करने के बाद ये भी गया और आपका ये भी गया, तो बचा कौन, केवल 3 और 2-3। और आपको पता है कन्नड़ और तेलुगु इन दोनों को एक ही साथ साहित्यिक भाषा का दर्जा मिला है, तो ये दोनों हो जाएंगे। ये चीज़ मैंने बताया था और ईयर भी मैंने बताया था। अब आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं जब भी मैं कोई सवाल करती हूँ उसको बताएं। जागरूक प्राणी होने का मतलब है कि जो भी देखें उससे रिलेटेड जो भी भावनाएं आपके मन में आते हैं, जो भी क्वेरीज आते हैं, जो भी कहने की इच्छा हो उसे बेझिझक कहें, तभी पता चलेगा कि आप एक सक्रिय इंसान हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिपि के संबंध में सत्य नहीं है, यानी कि लिपियों के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला है, लिपि में
जो है ध्वनियाँ दृश्य रूप में व्यक्त होती हैं, क्या लिपि में ध्वनियों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा, लिपि का संबंध साक्षरता से होता है, क्या लिपि का संबंध साक्षरता से है। तीसरा, लिपि भाषा की तुलना में अधिक व्यापक है, क्या लिपियाँ भाषा से ज़्यादा व्यापक हैं। और चौथा, सिंधु लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है। एक एक पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है, लिपि किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या समानताएं हैं। तो आपको पता है कि जो हम ध्वनियों को जो हम बोलते हैं जब उसे लिख देते हैं तो वही लिपि हो जाती, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा भी है, जिसको पढ़ना लिखना आएगा वही लिखेगा और जब लिखेगा तभी लिपिबद्ध होगा, तो दूसरा भी सही है। तीसरा गलत है, मैंने आपसे क्या बताया था कि जो लिपि है इसका जो दायरा ये व्यापक नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही करेंगे, लेकिन जो भाषा है इसका उपयोग हर व्यक्ति करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। और भारत में आज भी बहुत सारे लोग, या कहिए विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन उनकी अपनी एक भाषा है, चाहे वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो। तो भाषा का जो क्षेत्र है ये ज़्यादा व्यापक है लिपियों की अपेक्षा। और असत्य ही बताना है आपको कि कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका यही सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है। मैंने ये भी आपको बताया था कि किस ओर लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि कैसे लिखते हैं, खरुष्टी कैसे लिखते हैं, सिंधु लिपि कैसे लिखते हैं। तो क्या ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, या बाएं से दाएं लिखी जाती है, या ऊपर से नीचे लिखी जाती है, या इनमें से ऐसा कोई नहीं है कि जैसे सिंधु लिपि लिखी जाती हो। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपको पता है सिंधु लिपि खरोष्ठी लिपि जैसे दाएं से बाएं लिखी जाती है, लेकिन इसमें एक लॉजिक है, खरोष्ठी हमेशा दाएं से बाएं लिखते हैं, लेकिन जो आपका सिंधु लिपि है इसमें जो लिखा जाता है ये जो है पहले तो ये दाएं से लिखते हैं, फिर जहां ख़त्म होता लाइन वहीं से बाएं चले जाते हैं, फिर दाएं चले जाते हैं, तो इस तरह से दाएं से ही शुरुआत होती है, उसके बाद ये दाएं बाएं होते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका, आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो कि सत्य है। ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लेखों की जननी है, क्या अधिकांश लेखों की यानी कि लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि है। दूसरा, ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी धारा को कुटिल लिपि मतलब में कुटिल लिपि सम्मिलित है, क्या मैंने आपको बताया था ब्राह्मी लिपि से ही ज़्यादातर लिपियों की जो है जन्म हुआ है, और इसके दो भागों में बांटा गया, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी से कौन से लिपि का जो है आविष्कार हुआ है या उद्भव हुआ है ये भी मैंने बताया है, और दक्षिणी धारा से कौन से लिपियों का जो है निर्माण हुआ मैंने वो भी बताया है। तो क्या ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी धारा से कुटिल लिपि जो है निकली है। तीसरा, मौर्य सम्राट अशोक का मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखी प्राचीनतम अभिलेख माने जाते हैं। और चौथा, खरोष्ठी लिपि आर्माइक लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा बच्चों। आप यहाँ देख रहे हैं तीन तीन का कूट है और वन का है और जो है डी है। तो अब अगर इसमें कह रहा कौन सा सत्य है तो कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य तो है और सिर्फ एक हो ये भी सही नहीं है। अब बचा आप लोगों के पास दो तीन चार और एक तीन चार। अब आपको पता है पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा जो है क्या ये सही है कि ब्राह्मी से कुटिल का हुआ है, ये तो कंफर्म है कि सही है। और ये भी आपकी सही है कि जो खरोष्ठी है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, आर्माइक भी दाएं से बाएं लिखी जाती है, और सिंधु भी दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब मिला जुला के आपका बचा ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी धारा से नहीं, बल्कि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी धारा से कुटिल लिपि का विकास हुआ है, मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से बताया है। तो आपका यही जो है स्टेटमेंट ये क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। अब आप दो एलिमिनेट कर देंगे तो आपका कौन सा बचेगा, सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है यानी कि गलत है। पहला, लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है, तो इस पर इतनी हम लोग बातें किए जा रहे हैं कि ये तो अपने आप पता चल गया होगा कि सही है। भारत में लिपि विकास परंपरा में ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तीसरा, हिंदी गुजराती मराठी तथा बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नागरी लिपि से हुआ है। और चौथा, कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ है। तो आपको बताना बच्चों इसमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य है। तो आपने इतना तो आपको पता है कि जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वही आपका लिपि है, तो पहला तो करेक्ट हो गया। दूसरा भी कह रहा है कि अधिकांश जो लिपियां हैं मतलब जो लिखावट है या लिपि है ब्राह्मी, इसको प्रस्थान बिंदु कहा जाता है यानी कि जहां से शुरुआत हुआ हो, तो ये भी सही है। मैंने डिटेल क्लास में कहा था कि इसको ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही है कि आपकी जो ब्राह्मी है इसी को प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, तो ये भी करेक्ट हो गया यानी कि गलत नहीं है। और आपको पता है कि गुजराती मराठी बांग्ला भाषा की जो लिपियों का विकास हुआ वो पुरानी नागरी से हुआ है, ये भी सही है। गलत कौन सा है,
कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू नहीं हुआ है, बल्कि ये 6वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच का है, 10वीं तक का नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे असत्य पूछा, यानी कि ये गलत है और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है, शारदा लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सत्य है। शारदा लिपि के बारे में भी मैंने आपको बताया था। पहला है, व्हीलर ने शारदा लिपि के विकास को 800 ईसवी के आसपास माना है। दूसरा, शारदा लिपि की उत्पत्ति गुप्त लिपि से हुई है। तीसरा, राजा विदग्ध और सुमंगल गांव के दानपत्र सोन वर्मा के कुलायत दानपत्र में शारदा लिपि का प्रयोग हुआ है। और चौथा है, राजा जयचंद के काल की बैजनाथ मंदिर की प्रशस्तियाँ आदि में भी शारदा लिपि का उपयोग हुआ है। तो आपको पता है कौन सा सही है। तो ये तो पता है आपको कि जो शारदा लिपि है इसकी उत्पत्ति जो है ये किससे हुआ है, गुप्त लिपि से हुआ है। साथ ही व्हीलर महोदय ने इसको 800 जो है ईस्वी के आसपास का माना है, ये भी सही है। आपका पहला दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि जब पहला सही है तो ये आपका हट गया, अब आपका बच गया, इतने सारे स्टेटमेंट हैं। और आपकी जो शारदा लिपि है दो तो कन्फर्म हो गया, तीसरा भी मैंने आपको डिटेल क्लास में बताया है, और चौथा भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा, क्योंकि डिटेल क्लास में मैंने इसको बहुत ही विस्तार से बताया और ये सारे सही हैं। तो इसमें एलिमिनेट करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको सब सही बताना है और सारे सही भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों की सुमेलित करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत मज़ेदार होते हैं, अगर आपको 2 से 3 ऑप्शन पता है तो आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी हम एक ऑप्शन से भी आंसर को निकाल लेते हैं, लेकिन आजकल एग्जामिनर क्या करते हैं, 2 से 3 जो ऑप्शन होते हैं वो कॉमन कर देते हैं, वहाँ हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको नहीं होगा क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा है। तो आप देखेंगे बच्चों, सिंधु लिपि है, मलयालम लिपि है, कन्नड़ एवं तेलुगु लिपि है और मैथिली लिपि है। आपको बताना है कि किस लिपि को और किस नाम से जानते हैं। मैंने आपको उपनाम भी बताए थे सारे लिपियों के, तो यहाँ पे आप कैसे ढूंढ सकते हैं। तो सिंधु लिपि, हड़प्पा लिपि, बहुत आसानी से एक चीज़ आपको मिल गया कि सिंधु लिपि को हड़प्पा लिपि के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन कहाँ है, सी में भी है और ए में भी है, यानी कि बी हट गया और डी हट गया, अब हमें 2 में ढूंढना है। चलिए और प्रयास करते हैं। आपको पता है कि जो कन्नड़ है और तेलुगु है, तेलुगु आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तो आंध्र प्रदेश का है तो इसको क्या कहेंगे, आंध्र लिपि कहेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि सी में 2 कहाँ है, तो सी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सी में 2 यहाँ भी है। तो इसमें से आपका ये कट ही चुका है, ये भी कट चुका है, तो बचा यही था, तो सी में 2, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 2 ऑप्शन की सहायता से ही सही आंसर को प्राप्त कर लिया है, इससे आपके समय की और एनर्जी की बचत होगी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है सुमेलित। तो क्या संस्कृत को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, क्या कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, क्या मलयालम 2013 में शास्त्रीय भाषा बना है, और क्या उड़िया 2014 में बनाया गया। तो ये भी मैंने आपको क्रम वाइज हर चीज़ बताई है, और आपको पता होना चाहिए सबसे पहली जो भाषा है वो आपका कौन सा था। तो ये भी आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो तमिल है इसी को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला और 2004 में, और जो आपका संस्कृत है इसको 2005 में किया गया था। तो आपको पता है कि आपका जो पहला है यही गलत हो गया, क्योंकि ये 2005 में है, 2004 में तो आपके तमिल को दिया गया था, और आपके इस कन्नड़ के साथ तेलुगु को भी 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। टोटल 6 आपके शास्त्रीय भाषाएँ हैं। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तमिल भाषा आरंभिक शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के हैं, क्या जो तमिल भाषा आरंभिक अभिलेख है ये 3री शताब्दी आसपास के हैं। दूसरा, तेलुगु भाषा के कुछ शब्द पहली बार 1ली सदी में रचित गाथा सप्तशती में मिलते हैं। और तीसरा, कन्नड़ भाषा में उपलब्ध प्राचीन ग्रंथ रामचरितम है। और चौथा, मलयालम भाषा का आदि काव्य जो है कविराज मार्ग है। ये अगर आपको नहीं पता है तो इसको भी ध्यान से सुन लेंगे कि इसमें कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो आपको इसमें हम आपको आंसर बता दे रहे हैं कि इसमें जो आपका आंसर पूछ रहा कौन सा असत्य है, तो इसमें जो तीसरा चौथा है ये असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि ये जो कविराज मार्ग है ये कन्नड़ भाषा का काव्य है, और जो आपका मलयालम भाषा का ये रामचरितम है, इसको एक्सचेंज कर दिया गया। बच्चों ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं,
आसत्य बताना था, तो आपका बी जो है यही आसत्य है, क्योंकि दोनों का जो ऑप्शन है वो उसको चेंज करके उलझा दिया गया है। अगर इतना क्लियर कोई पढ़ाई ना करे तो एग्ज़ाम में बहुत आसानी से कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए बहुत क्लियर करके पढ़ाई करना है, ताकि इस तरह से अगर उलझा करके ऑप्शन दिया जाए तो गलतियाँ ना हो। तो पहला दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, उसको भी याद कर लें, और आपका तीसरे चौथे का ऑप्शन जो है उसको एक्सचेंज करके याद कर लें। हित में से कौन सा है जो असत्य है? संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। दूसरा, अनुच्छेद 120 से 210 में क्रमशः संसद एवं विधान मंडलों की भाषा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तीसरा है, संविधान के अनुच्छेद 350 का में उन वर्गों में विशेष ध्यान दिया गया जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। और चौथा है, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा नेपाली भाषा को संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है। आपको बताना है कौन सा कथन है बच्चों जो असत्य है, यानी कि गलत है। तो आपको बहुत आसानी से मिल गया, ये सारे स्टेटमेंट मैंने डिटेल में बताए हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं याद है और आपको संशोधन ही याद है, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जो 92वां संविधान संशोधन हुआ है, सॉरी जो 92वां हुआ है ये 2003 में हुआ है, लेकिन इसमें नेपाली को नहीं जोड़ा गया, बल्कि बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। नेपाली जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। आपका लास्ट ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सत्य है? संविधान लागू होने के समय भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 15 भाषाएं सम्मिलित थी। क्या जब संविधान लागू हुआ तो उसमें 15 भाषा था? डिटेल क्लास में मैंने बताया है। 1967 ईस्वी में किसवें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? और नेक्स्ट है, 2004 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन 4 नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और को अनुच्छेद 8 में शामिल करता है। और चौथा है, वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। आपको बताना बच्चों कौन सा सही है। तो आपको पता है कि इसमें से कौन सा गलत है, तो पहला पढ़ते हैं, क्या संविधान जब लागू हुआ तो उसमें 15 भाषाएं थी? नहीं, उसमें 14 भाषा थी। तो पहला आपका गलत हुआ, तो आपका ये भी गया, आपका सी भी गया, दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं दूसरा आपका करेक्ट है, यानी कि दूसरा सही है, तो दूसरा इसमें भी है। तीसरा कह रहा है कि 92वां संविधान संशोधन हुआ 2004 में, तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि ये 2004 नहीं है, बल्कि ये 2003 होना चाहिए था, इसलिए आपका ये इनकरेक्ट हो गया, यानी कि तीसरा गलत हो गया। अब तीसरा गलत हो गया तो आपका ये भी गया, आपका बचा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि को पंजाबी संस्करण माना, कौन सी लिपि है जिसको ईरानी लिपि का संस्करण माना जाता है, पंजाबी संस्करण माना जाता है? क्या ये मोढ़ी लिपि है, या ये शाहमुखी लिपि है, या गुरुमुखी लिपि है, या ग्रंथ लिपि है? ये भी मैंने आपको क्लास में बताया है कि कौन सी लिपि है जो प्रसंस्कृत होकर के पंजाबी में बनाया गया है। तो आपको याद होगा कि मैंने शाहमुखी लिपि के बारे में बताया था, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियों का प्रचलन है? ये आपके लिए नया होगा, लेकिन अब आपके लिए नया नहीं रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसलिए इसको शामिल किया गया आप लोगों के लिए। तो आपको बताना कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा लिपियों का प्रचलन है, 9 लिपियाँ हैं? क्या ये अरुणाचल प्रदेश है, या पश्चिम बंगाल है, या गुजरात है, या उत्तर प्रदेश है? तो आपको बताना है बच्चों कौन सा राज्य होगा, आपके लिए नया है और इम्पॉर्टेंट भी, तो आपको आज के बाद से ये नहीं भूलना चाहिए, पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज़्यादा 9 लिपियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा है जो कि असत्य है? पहला है, प्रयोक्ताओं की दृष्टि से सबसे छोटा भाषा परिवार द्रविड़ भाषा परिवार है, क्या ये स्टेटमेंट सत्य है? दूसरा है, ओंग एवं जारवा अंडमानी भाषा परिवार की भाषाएँ हैं। और तीसरा, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार में सम्मिलित सबसे बड़ी भाषा संथाली है। आपको पता ना कौन सा गलत है? तो आपको पता है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा की सबसे बड़ी भाषा जो है वो संथाली है, बिल्कुल क्लियर है। तो आपका तीसरा सत्य है और असत्य पूछ रहा है, यानी कि आपका ये ऑप्शन भी गया, क्योंकि इसमें भी तीसरा, इसमें भी तीसरा है। अब आपका बचा केवल एक और केवल दो। तो आपको पता है कि प्रयोक्ता की दृष्टि से सबसे छोटा जो भाषा परिवार है वो आपका तिब्बती चीनी भाषा परिवार है, लेकिन उसमें भाषाओं की संख्या सबसे ज़्यादा, मैंने कहा था इसको गौर फरमाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका पहला ही असत्य हो जाएगा, यानी कि केवल एक की बात कर रहा है, तो कौन सा होगा? केवल एक। तो दूसरा अपने आप ही सही है, क्योंकि मैंने इसको भी बताया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है? पहला है, ब्राह्मी लिपि में मात्राएं एवं संयुक्त अक्षर नहीं मिलती हैं। दूसरा, कुटिल लिपि को सिद्ध मातृका लिपि के नाम से जाना जाता है। तीसरा, गुरु अर्जुन देव ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया है।
और चौथा है महाबलीपुरम स्थित धर्मराज मंदिर पर तेलुगु लिपि का अंकन मिलता है। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य है। तो आपको ये भी मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जो आपका कुटिल लिपि है इसी को सिद्ध मातृका लिपि के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। ये गुरु अंगद हैं, अर्जुन नहीं है, इसलिए गलत हो गया है। आपका जो बी है यही करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि असत्य है। पहला है कोंकणी गोवा तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। और नेक्स्ट है इसे 2001 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा है जो कि असत्य है। और आपको पता है कि इसे 2001 में नहीं बल्कि 1950 में ही जो है हमारी जो अनुसूची है उसमें शामिल किया गया है। तो आपका जो दूसरा है ये बिल्कुल भी गलत है। और आपको पता है कि कोंकणी जो है कर्नाटक गोवा इन्हीं क्षेत्रों में बोली जाती है। तो पहला सही है, दूसरा आपका असत्य है। इस तरह से आपने बहुत सारे पॉइंट्स को देखा है, आपकी क्लास का मुझे लगता है अच्छे से रिविज़न हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर नेक्स्ट डे हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और बहुत सारी नई चीज़ों को सीखेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आगामी एग्जाम्स में आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।